नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपके अपने चैनल रतलाम नामली मंडी भाव में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों। आज 28 सितंबर 2023 दिन गुरुवार, जी हाँ दोस्तों, और समय शाम 4 बजे का हम फिर पहुँचे हैं रतलाम प्याज मंडी में, ताकि आपको स्थिति बता सकें कि क्या स्थिति अभी तक कल से बनी है, कितने वाहन कल के रुके बाकी हैं और कितने वाहन जो हैं वो नए आए हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को दोस्तों ईद मिलादुन्नबी और अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को ईद मिलादुन्नबी और अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि यह समय और आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन निकले, शानदार निकले और आप जो है वो जीवन में आगे ही बढ़ते जाएं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों अब अगर अपन वाहनों की संख्या की बात करें तो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, कल वाली स्थिति बनी हुई है, वही 60-70-70-80 करीब वाहन जो हैं वो अभी कल के वाहन जो हैं बच गए हैं। अभी आपने देखा है ग्राउंड में खड़े हुए हैं कुछ वाहन, और कुछ वाहन जो है शेड के नीचे खड़े हुए हैं, और कुछ वाहन आगे वाले शेड के नीचे खड़े हैं। अभी आप ये सामने का जो नज़ारा देख रहे हैं दोस्तों, ये जहाँ नए बड़ा वाला शेड है, यहाँ पर अभी तक नए वाहनों की बात करें, संख्या की बात करें, तो अभी तक कोई भी नए वाहन तो दो मुश्किल से 4-5 वाहन पहुँचे हैं, इसके अलावा कोई वाहन नहीं पहुँचे हैं। ये दोस्तों कल के वाहन हैं जो आगे वाले शेड की तरफ लगे हुए हैं, कुछ ग्राउंड में खड़े हुए हैं, कुछ पीछे वाले, कुछ दूसरे नंबर वाले छोटे वाले शेड में लगे हुए हैं। कुल मिला के 70-80 वाहन जो हैं वो रतलाम प्याज मंडी में कल के रुके हुए हैं, कल के जो हैं वो खड़े हुए हैं। बाकी आप सामने की तरफ देख रहे हैं शेड में कोई वाहन, नए वाहन मुश्किल से 4-5 वाहन आए हैं, बाकी पूरा मंडी परिसर जो है वो खाली है। जी हाँ दोस्तों, पूरा मंडी परिसर जो है वो खाली है। अभी नए वाहन 4 से 5 आए हैं मुश्किल से। और एक चीज़ और जानकारी दे दें आपको कि दोपहर में 1 बजे से जो है रतलाम में पानी गिर रहा है, अभी भी गिर रहा है। तो अगर आप मंडी आ रहे हैं तो आप ज़रा सावधानी से आएँ या पूरी तैयारी के साथ आएँ। और दूसरी बात, एक और, ये जो वाहन कल के रुके हैं दोस्तों, इनकी नीलामी कल सुबह 10 बजे होगी। उसके बाद जो नए वाहन आएंगे उनकी नीलामी दोस्तों शनिवार के दिन होगी, जी हाँ, अपने तय अनुसार 9:30 बजे। जी हाँ दोस्तों, जो मंडी शनिवार के दिन चालू है, कल सिर्फ ये जो शेष वाहन रह गए थे सिर्फ उनकी नीलामी होगी, ऐसा मंडी प्रशासन का कहना है। जी हाँ दोस्तों, मंडी प्रशासन ने जो विज्ञप्ति जारी करी थी वो हमने पोस्ट भी कर दी थी, और आपको बता भी रहे हैं कि जो शेष वाहन रह गए थे वो सिर्फ कल वाहन वो नीलाम होंगे, उसके बाद नए वाहन जो हैं वो शनिवार के दिन नीलाम होंगे। तो ये आप ये चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों कुल मिला के 60 से 70 वाहन जो है, 70-80 वाहन जो हैं वो रतलाम प्याज मंडी में कल के हैं। और नए वाहनों की संख्या की बात करें, मुश्किल से 4-5 वाहन आए हुए हैं, और पूरा मंडी परिसर जो है वो खाली ही पड़ा है। तो दोस्तों ये थी जानकारी शाम 4 बजे तक की। चैनल को बस यही कहेंगे, चैनल को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और एक बार फिर आप सभी लोगों को ईद मिलादुन्नबी और अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।